अनदर ब्लॉग। और बच्चे चले गए हैं दुकान पे। मैंने कहा चल, इन्होंने अपने बुआ के घर जाना है तो चले जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। और आते थे मैं पैसे ले आई थी इनके लिए। मैंने कहा कुछ खाना पीना होगा इन लोगों ने तो खा लेंगे। वैसे भी बच्चों को खाने से ज़्यादा कुछ और मतलब रोटी ना दो उनको, आप बाकी सब कुछ दे लो, सब कुछ खा लेंगे। तो बस भेज दिया मैंने तीनों को दुकान में, जाओ जो लेना ले लो, ऐश करो। हाँ, संडे का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। संडे का ब्लॉग जरूर देखना शाम को। मैं मॉर्निंग में भी एक छोटा सा डाल दूँगी क्लिप, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। संडे को मे भी हम शायद कहीं घूमने जाएंगे। वो गुग्गी आई है तो इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा लेते हैं। और वैसे तो कुछ लोगों ने देखा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए चंबा, और जैसे चंबा मैं आपको दिखाऊंगी अपने रंग में, मैं कैसे दिखाती हूँ आपको, आपने कैसे देखा होगा यूट्यूब पे या वीडियोस में, मैं कैसे दिखाती हूँ अपने तरीके से। बस मौसम अच्छा रहना चाहिए। तो वैसे तो अभी जो मैंने देखा था वेदर, उसमें बताया हुआ है कि हल्का हल्का जो है ख़राब रहेगा। तो देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है। तो चलिए फिर। और हाँ, ये देखिए, ये मैंगो, आजकल मैंगो ही मैंगो हो रहे हैं भाई। ये देखो, और मैंगो आ गए घर में। कल ये लेके आए थे और खुद शाम को बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे को टांगों में दर्द हो रही है, मेरे को कुछ हो रहा है। मैंने कहा था कि पिछली बार भी आपको जब ऐसे हुआ था तो आपको टाइफाइड हुआ था, एक बार आप अपना टाइफाइड का टेस्ट करवा लो, क्योंकि पता नहीं होता है। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ये गर्मी से, फिर जब बरसात होती है उस टाइम पे भी बीमार होते ही होते हैं। क्योंकि जिनको पहले टाइफाइड हुआ हो, अगर वो पूरा रेस्ट ना करें, और ये तो रेस्ट करते ही नहीं है, तो फिर से हो जाता है। तो पता नहीं, अब आज तो करवाया नहीं था क्योंकि आज खाना खा के चले गए थे, रात को नहीं खाया था खाना। अब कल देखते हैं, उसको बोलूँगी बेचारे को, वो एक लैब वाला है ना हॉस्पिटल में लगा हुआ, वो घर में आके कर जाता है टेस्ट। तो मैं उसको कल सुबह बुलाऊँगी फ़ोन करके, आके टेस्ट कर जाएगा और जो भी होगा रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। चलो फिर मैं ये धो लेती हूँ मैंगो जो है ना, ये धोए नहीं थे, ऐसे ही थे रखे हुए। और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी, यहाँ बन रहे हैं सैंडविच। टमाटर प्याज डाल के मैंने इसको जो है, टमाटर प्याज और हरी मिर्च और नींबू, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड किया मतलब चॉप कर लिया था, और ब्रेड में भर के देसी घी में इनको जो है बेसन में हल्का हल्का घोल वो तैयार करके उसमें डिप करके, और फिर मैंने इसको देसी घी में फ्राई किया हुआ है। और हम यहाँ इसको चिढ़ा रहे थे गुग्गी को, के गुग्गी बर्तन धो रही थी ना, स्पेशली बर्तन धोने के लिए हमने इन्हें दबा से बुलाया है। कैसे खा रहा? खाना ही नहीं आता। पहले खा ले अंसी, खा ले अंसी, फिर अंदर सारे में गिरेगा। तो मुंह साफ कर लेना, मुंह साफ करते को बोला, इस पानी से साफ कर। खून अच्छा, तू मुंह साफ कर।
न मेरे साथ नहीं जाना, दीदी और जाएंगे उनके साथ जाना। पीना मत अभी, मैं जा रही हूँ तो बोलो दीदी और साथ आ, एक मिनट इतना जा। बाहर खेलते हैं, गर्मी से हुआ हाँ 4 बजे आगे से हमने सोचा बाहर खेलते हैं। क्वार्टर से आया था तू 4 बजे, तुझे मुझे कॉल नहीं किया 4 बजे नहीं हाँ। मैं तो अभी यार जवाब बोल रहा था 5 बजे को 1 मिनट होंगे तो बात हम ऊपर बाल काटने वाले हो गए हैं। आया फोन कहाँ है, घर पे पापा है? नहीं। साइकिल लेके आया तू? नहीं। दादा को चाय दे दी? चाय से दीदी ने कहाँ से दी है? दादी दी है हाँ वे? हाँ जी। 6th में होगा, 6th भी नहीं होगा बल्कि 5th में जो होते हैं वो 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 10 साल के 11वें साल पे चलते हैं तो होते हैं। तेरी मम्मी को तेरा ऐसा बर्थ ईयर कौन सा है? बर्थ ईयर है 24 अप्रैल। वो तो डेट हुई ना 2010 हुआ ना तो फिर 21 है, सीधे 11 ईयर का हुआ तो कौन सी क्लास हुई है? अभी गया 6th में इस साल, गया 6th में नहीं गया, अभी जाना है। पेपर ही नहीं दिया इसने, पेपर ही नहीं दिया तो फिर कहाँ से चला गया? वहीं चला गया, हवा में ही उड़ते उड़ते पहुंच गया तू। एक दिन से उठा था जब मैं टैक्सी कर गया था मम्मी हां तब ये भी आया था फिर उसने मतलब है मैं कुछ अभी मैंने पेपर नहीं दिए 3 दिन के फिर किसी प्लस अच्छा टैक्सी तो मैं तेरे घर आने के भी आया था ना उसने पेपर ही नहीं दिए तो ये भी आया था ये भी मेरे साथ आया था जब तेरे घर क्लास भी नहीं लगाता होगा ना ओए ये मेरे साथ जब तेरे घर आया था ना तब इसने वो बोल दिया रवि मैं 3 पे खाएगा ना फिर लगेगा पता तुम लोगों को। तो जी यहाँ बन रही है शाम की सब्जी, आलू और शिमला मिर्च। तो मैं यहाँ शिमला मिर्च को काट रही थी और इसके जो बीज है वो मैं अलग करके रख दूँगी। ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं इन सीड्स के साथ क्या करूँगी। और साथ में जो है मैंने ये सारा जो है शिमला मिर्च काट के और आलू काट के अलग करके रख दिए थे, और आलू भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में ही काटे थे। बस इसके बाद जो है मैं इसका तड़का तैयार करूँगी और ये प्याज और लहसुन जो है मैंने साथ साथ चॉप करके रख दिया, और साथ साथ ही तड़का लगाऊंगी इसमें मैं तेल डाल के। और अब भी सोच रही कैसी बातें कर रही हैं, एक्चुअली मैं हंसी की बात सुन रही हूँ वो पीछे बोल रहा है उधर। तो यहाँ मैंने जो है अपने सारे जो है जीरा अजवाइन और धनिया डाल दिया है, और साथ में ही मैं जो है लहसुन काट के डालूंगी और प्याज जो है वो बड़ी बड़ी स्लाइसेस काट के डालूंगी। और यहाँ जो है मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें, इसको अच्छे से पका के साथ साथ ही जो मैं है इसमें नमक ऐड करूँगी, हल्दी और गरम मसाला। और बस यहाँ पे मेरा जो ये है मसाला तैयार हो गया है, मैंने सब्जी को इसमें डाल दिया है। ये तो कुछ है ना, ये इसको तो ये क्या है, ये आलू ने, ये आलू है तो यहाँ मैं फूलों के साथ जो है वो शिमला मिर्च के जो सीड थे ना वो लगा रही हूँ। अगर लग जाएंगे तो लग जाएंगे, नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं है। फिर की वाइफ है मुझे वही बोल रहे थे कि लग जाएंगे, मैंने कहा चलो लगेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।